हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ मसाला मिर्ची शेयर कर रही हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, चटपटी। आप देख सकते हैं हम इसे बनाते हैं। इससे पहले प्लीज़ जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मसाला मिर्ची बनाने के लिए हमने यहाँ हरी मिर्च लिया 250 ग्राम। इसको हमने दो हिस्से कर लिए हैं, लंबी मिर्च काट ली है हमने। इसमें 2 चम्मच बेसन लेंगे, 2 छोटी चम्मच। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, लहसुन को आप अवॉइड कर सकते हैं, जो नहीं खाते हैं न डालें। 1 चम्मच राई दाल, ये दाल राई दाल है, राई ले सकते हैं इसकी जगह आप। 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 2 छोटी चम्मच नींबू का रस, 2 चम्मच धनिया पाउडर, नमक हम स्वाद के अनुसार लेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे, 1 पिंच हींग और सरसों का तेल। सरसों के तेल में बहुत ही टेस्टी बनती है ये। हमने पैन में 4 से 5 चम्मच ऑयल डाल लिया है, इसे हम गर्म होने देंगे। हमारा ऑयल गर्म हो गया है, हम सबसे पहले इसमें 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे। इसके बाद हम सौंफ डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे थोड़ा सा मिलाएंगे। ये भुन गया है, अब हम इसमें राई है वो डाल देंगे, राई दाल हल्का हल्का मिलाएंगे। 2 चम्मच बेसन, इसको भी हम मिला लेंगे अच्छे से 1 सेकंड के लिए। अब हम इसमें सभी मसाले डाल देते हैं, भुना हुआ जीरा पाउडर, धनिया पाउडर 2 चम्मच, नमक हम टेस्ट के अनुसार डालेंगे जितना हमें चाहिए, इसे अच्छे से भून लेंगे। हमने इसे भून लिया है, ये भून चुका है बेसन। इसमें थोड़ा घी डालेंगे, अच्छे से चलाएंगे। अब हम इसमें सभी मिर्ची डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें थोड़ा पानी छिड़केंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे पूरा होने तक। पानी छिड़कने से मसाला अच्छे से सभी मिर्चियों पर लग जाएगा, तो हम ढककर पका लेते हैं। हम यहाँ मिर्ची को एक बार चेक कर लेंगे बीच में, ये देखिए मिर्चियाँ बननी शुरू हो गई है। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए और पका लेंगे, बीच में चलाते रहेंगे इसको। मिर्ची फ्राई हो गई है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें जो 2 नींबू का रस है, 2 चम्मच उसको हम डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। इसको भी हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही मिलाते रहेंगे, चाहे आप ढक कर इसे 1 मिनट के लिए फिर पका लें। हमारी सभी मसाला मिर्ची बनकर रेडी है। हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और एक बाउल में निकाल लेते हैं। हमने यहाँ सभी मसाला मिर्ची को एक बाउल में निकाल लिया है। बहुत ही चटपटी है, हम किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं इसे और कई दिनों तक फ्रिज में रख के खा सकते हैं। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।